कांग्रेस सांसद धीरज साहू के केस लोक से मिले नोटों के अंबार का ये लेटेस्ट अनदेखा वीडियो देखिए। सोचिए, इतना पैसा किसी बीजेपी सांसद के यहाँ से मिल गया होता तो कैसा तूफान देश में आया होता, लेकिन चूंकि सांसद बीजेपी का नहीं है तो सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर जियो सर्विलांस मशीन से जांच की जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि घर की जमीन में पैसा छिपा हो सकता है। धीरज साहू के ओडिशा स्थित एक ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इन्हीं सब मामलों के बीच जेल में बंद लुधियाना के पंजाब युवा कांग्रेस नेता सर्वोत्तम सिंह उर्फ लक्की संधु को एक शादी की पार्टी में नाचते हुए देखा गया। लक्की संधु के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है, जिसके बाद पंजाब पुलिस एक्शन में आई और दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। संधु पर दंगा, अपहरण, हमला, जबरन वसूली और गोलीबारी समेत कई आरोपों के तहत कम से कम 9 मामले दर्ज है। इस साल सितंबर में अपहरण और दंगे के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद वर्तमान में लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद पंजाब युवा कांग्रेस नेता संधू को कथित तौर पर रायकोट में एक शादी की पार्टी में भाग लेते और अन्य मेहमानों के साथ भांगड़ा करते देखा गया। अधिकारियों के मुताबिक सर्वोत्तम सिंह उर्फ लक्की संधु अपहरण के एक मामले में लुधियाना के केंद्रीय कारागार में बंद था। उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या की शिकायत के बाद 8 दिसंबर को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGIMER चंडीगढ़ ले जाया गया था। जेल अधिकारियों ने कहा कि लुधियाना पुलिस आयुक्तालय की एक टीम उसके साथ इलाज के लिए PGIMER गई और कोई भी जेल कर्मचारी उसके साथ नहीं था। वे PGIMER पहुंचे थे और अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के बाद वे पुलिस टीम के साथ 8 दिसंबर को वापस लौटते समय यहां से 40 किलोमीटर दूर रायकोट में शादी समारोह में रुके। लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल ने कहा कि लक्की संधू के साथ आए उप निरीक्षक मंगल सिंह और सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। चहल ने कहा उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर। जय हिंद, जय भारत।